हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिस्क में। सो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रीकनेक्ट के एक साउंड बार की, जो कि 2.2 चैनल के साथ में। सो सारी डिटेल बताऊंगा, साउंड क्वालिटी कैसी है, प्राइस। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपके सपोर्ट की जरूरत है। सो सबसे पहले बता दें ये किस ब्रांड का है। तो ये है रीकनेक्ट का और ये रिलायंस का होम ब्रांड है। सो आपको इसकी सर्विस मिलने वाली है रिलायंस के थ्रू। इसकी एक साल की वारंटी आती है। वही प्राइस की बात करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको मात्र 6,000 रुपीज में ऑन स्टोर एंड साइट पे भी, रिलायंस डिजिटल की साइट पे आप इसे परचेस कर सकते हो। सो वही साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग साउंड क्वालिटी है, बिकॉज मैं इसका साउंड टेस्ट करके आया हूँ स्टोर से। अमेजिंग साउंड क्वालिटी है, इस प्राइस रेंज में आपको आई थिंक कोई ब्रांड नहीं देने वाला इस तरीके का साउंड। सो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके का दिखने वाला है। सो ये 2.2 चैनल है। सो इसे आप एलईडी वगैरह के नीचे फिट करा सकते हो बहुत ही आसानी से, अगर आपको किसी टेक्नीशियन या फिर किसी लगाने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें मिलते हैं वॉल माउंट्स। तो अभी हम दिखाते हैं साउंड बार का लुक। सो इसकी हाइट थोड़ी सी लंबी है। अभी बॉक्स खोलता हूँ साइड में। ओके, तो देख सकते हैं पैकिंग बहुत ही अमेजिंग है इसकी। इसे निकाल के आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है मुझे, बट कोई नहीं, हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। सो अगर आपको भी एक साउंड बार परचेस करना है एलईडी के लिए तो ये बेस्ट रह सकता है आपके लिए। अगर आपका प्राइस बजट बहुत ही कम है 5 से 6 हज़ार रुपये में, तो इसे आप फिट करा सकते हो आप अपनी एलईडी के नीचे। सो देख सकते हैं ये रहा साउंड बार, बहुत ही लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी वेट नहीं है। सो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस की ब्रांडिंग है रीकनेक्ट, क्योंकि ये रीकनेक्ट का ही है 2.2 हार्मोनिक 2.2 चैनल। सो इसमें आपको 4 स्पीकर मिलने वाले हैं, सामने के साइड में 2 यहाँ मिलते हैं और 2 इस साइड में, वही ऊपर बेस मिलता है। सो बेस क्वालिटी भी इसकी अमेजिंग है, एक रूम के लिए परफेक्ट है। वही पीछे की साइड इसमें आपको मिल जाता है पावर का बटन एंड पावर की केबल के लिए पोर्ट, और यहाँ पे मिल जाता है आपको ऑक्स के लगाने के लिए, आप इसमें यूएसबी केबल भी लगा सकते हो। और सबसे अच्छी बात है इसमें मिलता है एचडीएमआई का पोर्ट, इसे आप डायरेक्टली अपनी एलईडी से कनेक्ट करा सकते हो। सो अभी इसको साइड में करता हूँ और बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो इसके साथ में मिलने वाले हैं कुछ टूल्स जिनकी मदद से आप इसे आसानी से सेट कर सकते हो। सो इसमें मिलती है एक ऑक्स केबल, इसे आप अपने मोबाइल वगैरह से कनेक्ट करा के डायरेक्टली चला सकते हो। इसमें ब्लूटूथ का वर्जन मिलने वाला है आपको 5.0, सो ज़्यादा कनेक्टिविटी का इशू नहीं रहने वाला है आपको। देख सकते हैं ये रहे 2 वॉल माउंट्स, जिसे आप आसानी से 2 स्क्रू के मदद से टाइट कर सकते हो और आसानी से इसे होल्ड कर सकते हो एलईडी के नीचे। और देख सकते हैं सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, स्क्रूज भी इन्होंने दे रखे हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, 2 ड्रिल मशीन की मदद से होल करने हैं और इन्हें आसानी से टाइट करना है और इसे लगा देना है। सो कुछ जानकारी और दे देता हूँ। सो अगर आपको परचेस करना है तो आप सर्च कर सकते हो रीकनेक्ट हार्मोनिक 2.2 चैनल, और इसमें वारंटी की बात करेंगे तो 1 ईयर वारंटी बॉक्स के ऊपर मेंशन कर रखा है इन्होंने, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है वारंटी क्लेम करने में। और इसमें आपको 3D मोड मिल जाता है साउंड इफेक्ट के साथ में, 2 वूफर्स लगे हुए हैं जिनका साइज है 7.6 सेंटीमीटर LED है डिस्प्ले, जिससे आप आसानी से इसमें दिखता रहेगा कि ब्लूटूथ कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। इसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, मल्टी प्लेबैक है क्योंकि इसमें USB आप लगा सकते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करा सकते हो, ऑक्स केबल भी लगा सकते हो, साथ ही साथ HDMI भी लगा सकते हो, और ये सब चीज़ें बॉक्स के ऊपर मेंशन कर रखी है इन्होंने। सो साउंड क्वालिटी मैं बता ही चुका हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। सो परचेस कर सकते हो रिलायंस डिजिटल के स्टोर पे जाके, या फिर आप साइट से भी जाके परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।